नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यन्दु मुंडे आप लोग को स्वागत करता हूँ। मैं जो बाई लेवल एंड सेल लेवल कम स्किनर बनाया उसी का थ्रू मैं आप लोग को रेगुलर व्यू देता हूँ। तो उसको कल के लिए मतलब 9 जनवरी 2019 के लिए मैंने आप लोग को व्यू दिखाऊंगा। इक्विटी कमोडिटी निफ्टी बैंक निफ्टी फ्यूचर्स का लेवल दिखाऊंगा और इक्विटी बैंक निफ्टी निफ्टी इक्विटी कमोडिटी निफ्टी बैंक निफ्टी फ्यूचर्स का लेवल दिखाऊंगा। उसके बाद कुछ स्ट्रैटेजी फॉर्मेशन है वो भी आप लोग को दिखाऊंगा। देखिए, मैंने कुछ स्क्रीनिंग करके दिखाया था लेकिन आज स्क्रीनिंग नहीं करवाया। मैंने ऐसे ही कुछ स्टॉक्स आप लोग को दिखा देता हूँ, इसका बाई सेल लेवल आप लोग नोट कर सकता है। तो देखिए, ये जो स्टॉक्स है इसका बाई का बाई ये और ये जो ये चैनल पे आप लोग सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोग को निफ्टी और बैंक निफ्टी का डायरेक्शन जो मैंने रेगुलर बेसिस पे देता हूँ वो आप लोग को मिल जाएगा। और जो बाई लेवल एंड सेल लेवल कम स्किनर और बाई लेवल एंड सेल लेवल 3 जो फाइल है वो आप लोग को ये जो व्यू दिखाता हूँ वो आप लोग को रेगुलर बेसिस पे मिल जाएगा। इसके अलावा और भी बहुत सारा चार्ट का सेटअप मेरे चैनल पे है जो आप लोग को रेगुलर प्रॉफिट दे सकता है, 95% एक्यूरेसी के साथ प्रॉफिट दे सकता है। और बहुत सारा चार्ट स्ट्रैटेजीज है, टेक्निक है जो आप लोग को लाइव मार्केट में बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो आप लोग उसको देख सकता है। ये जो फाइल है इसका आप लोग का इधर मेरा पेड सर्विस व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया जाएगा यूट्यूब वीडियो का डिस्क्रिप्शन में, वो भी आप लोग को ज्वाइन होकर आप लोग का ये क्योंकि इधर मैंने एंड ऑफ द डे और लाइव मार्केट में ये पूरा फाइल शेयर कर देता हूँ तो वो आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। और इसमें क्या क्या है वो आप लोग डाउनलोड करके सैम्पल फाइल देख सकता है, मेरा पिछले वाला वीडियो आप लोग देख सकता है। तो और भी बहुत सारा इंपॉर्टेंट लिंक का है यूट्यूब वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आप लोग को मिल जाएगा। और यूट्यूब वीडियो ये मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोग को ये निफ्टी बैंक निफ्टी का डायरेक्शन और ये सब व्यू आप लोग को रेगुलर बेसिस से मिल जाएगा। तो मैंने इसमें बाई सेल लेवल दिखाता हूँ, बाई लेवल और सेल लेवल दिखाता हूँ। और चार्ट का कुछ ईएमआई का स्ट्रैटेजी है, इंसर्ट द बार NR4 NR7 और बहुत सारा कैंडलस्टिक फॉर्मेशन फिबोनाची लेवल आप लोग को दिखाऊंगा तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो इधर आप लोग ऑन टॉप ये वीडियो जरूर देखिएगा। तो इधर देखिए, मैंने ये बाइक 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 है बाई सेल लेवल 1 है इसमें, और इसमें बाई सेल लेवल 1, 2 और 3 रहता है। और बहुत सारा ईमे का क्रॉस ओवर बोलिंग जबान प्राइस चैनल इसमें स्क्रीनिंग कर सकता है। और बाई सेल लेवल 3 में अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड का बाई सेल लेवल रखा है ताकि अप ट्रेंड का ऊपर और भी ऊपर जाएगा तो कौन सा लेवल सही रहेगा, डाउन ट्रेंड और भी और अप ट्रेंड जब रिटेस होकर नीचे जाएगा कौन सा लेवल सही रहेगा, डाउन ट्रेंड जब रिटेस होकर और भी नीचे जाएगा कौन सा लेवल सही रहेगा, रिटेस होकर ऊपर जाएगा तो कौन सा लेवल सही रहेगा, कौन सा लेवल पे कौन सा है वो भी आप लोग को दिख जाएगा। और उधर से स्क्रीनिंग करके आप लोग अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड पकड़ सकता है। और एक बार अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड आप लोग पकड़ लेंगे तो आप लोग को उसके बाद अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड देखना और कुछ नहीं देखना है। तो अप ट्रेंड का बाई सेल लेवल देखना है और डाउन ट्रेंड होगा तो डाउन ट्रेंड का बाई सेल लेवल देखना है। ये बाई लेवल एंड सेल लेवल 3 में ऐसा है। और बाई लेवल 1 और सेल बाई सेल बाई लेवल सेल लेवल 1 और बाई लेवल सेल लेवल 2 में ऐसा आप लोग किसी भी तरीके से कर सकता है। देखिए, बाई लेवल और सेल लेवल 1 में आप लोग को बाई का एंट्री लेवल 20 में रहेगा, टारगेट 1 से टारगेट 4 बाएं तरफ और टारगेट 5 से लेकर टारगेट 8 दाएं तरफ रहेगा। और सेल का भी ऐसा है। और इधर आप लोग को बाई सेल लेवल 2 दिखाता हूँ। और इधर आप लोग को कौन सा लेवल पे कौन सा है आप लोग मेरा परफॉर्मेंस वाला वीडियो देख लीजिए, कौन सा लेवल पे कौन सा पकड़ना है। मतलब वो लाइव मार्केट में जब ओपन होगा तो ऐसा तो नहीं रहेगा, तो कुछ टारगेट 1 टारगेट 2 के अंदर रह सकता है, गैप अप गैप डाउन, तो उसको आप लोग को समझ लेना चाहिए, देख लेना चाहिए। तो इधर वो आप लोग पिछले वाला वीडियोस मेरा देखिए, वो आप लोग को परफॉर्मेंस वाला वीडियोस अच्छी तरह से देखिए तो आप लोग को पता चल जाएगा वो कैसे ट्रेड करना है। इधर देखिए कितना सारा मूविंग एवरेज और अभी बहुत कुछ रहता है। और ये है बाई सेल लेवल 3, बाई लेवल एंड सेल लेवल 3। और ये है स्टैंडर्ड पिवट पॉइंट, इसका वैल्यू नोट कर सकता है। ये बोलिंजर बैंड है, इसका वैल्यू नोट कर सकता है। बोलिंजर अपर बैंड मिडिल बैंड लोअर बैंड का एक एंट्री पॉइंट हो सकता है। प्राइस चैनल का वैल्यू नोट कर सकता है, अपर बैंड मिड बैंड लोअर बैंड का वैल्यू वो आप लोग को बाई सेल लेवल का एंट्री पॉइंट हो सकता है। और टीरन लेवल जो है इसका अपर बैंड लोअर बैंड का वैल्यू आप लोग नोट कर सकता है, इसका भी आप लोग को एंट्री पॉइंट हो सकता है। तो मैंने अभी निफ्टी और बैंक निफ्टी का व्यू दिखाऊंगा। और जो लोग पेड सर्विस रहे में ग्रुप में जानों का ये पूरा फाइल मिल जाएगा और आप लोग इसका सैंपल फाइल आप लोग डाउनलोड कर सकता है। ये मैंने निफ्टी और बैंक का डायरेक्शन बता दिया था। उसके बाद अभी बाई लेवल एंड सेल लेवल भी दिखाता हूँ, बाई लेवल एंड सेल लेवल भी दिखाता हूँ। तीनों बाई लेवल एंड सेल लेवल जो 1, 2 और 3 बनाया उसका तीनों लेवल दिखा देता हूँ।
और प्राइस चैनल बोलिंजर बैंड और BWAP का वैल्यू और टीरोन लेवल का वैल्यू भी आप लोग नोट कीजिएगा, तो ये आप लोग को ज़रूर काम पे आएगा। और इधर कमोडिटी का लेवल आप लोग को दिखाता हूँ, कमोडिटी का लेवल दिखाता हूँ, सॉरी इधर क्रूड ऑयल, हाँ इधर इधर से शायद कुछ, हाँ तो इधर ऐसे आप लोग को दिखाऊंगा। बस आप लोग नोट कर लीजिए, मेरा वीडियो का लिमिटेड टाइम पीरियड है 10 मिनट, उसके अंदर ख़त्म करना पड़ेगा, बहुत सारा चीज़ दिखाने का इरादा है, तो आप लोग ज़रा पॉज करके करके दिख सकता है। और इधर सिल्वर गोल्ड नेचुरल गैस, कुछ फ्यूचर्स का लेवल भी आप लोग को दिखा दूंगा, उसके बाद जो 100 डे ईमे का मैंने स्ट्रेटजी बनाया हूँ उसका लेवल दिखाऊंगा, उसके बाद इनसाइड द बार ट्रेडिंग, ये आप लोग कुछ फ्यूचर्स है, ये इसका बाई लेवल और सेल, इसका भी आप लोग बाई लेवल और सेल लेवल आप लोग नोट कर सकता है। और देखिए इधर जो मैंने देखिए प्रीवियस रेंज ब्रेकआउट होने से कुछ प्रॉफिट आ सकता है, इधर प्रीवियस रेंज के ब्रेकआउट का भी मैंने ऑप्शन दे के रखा है, इधर से आप लोग प्रीवियस रेंज ब्रेकआउट का भी देख सकता है, प्रीवियस रेंज ब्रेकआउट भी आप लोग को इधर से मिल जाएगा। तो लेकिन जब कुछ स्ट्रैटेजी के हो, स्ट्रैटेजी के अंदर हो, तो आप लोग को और भी अच्छी तरह से दिखाएगा। मैंने आप लोग ये 100 डे में जो 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 जीजी स्टॉक्स को आज का कैंडल को जीजी स्टॉक्स का आज का कैंडल 100 डे मूविंग एवरेज को काट किया है, तो उसका जो हाई लो कल ब्रेक करेगा, तो इसका इधर से आप लोग को हाई लेवल मिल जाएगा, नहीं तो आप लोग भी चार्ट से देख सकता है, कुछ स्टॉक्स आप लोग इधर से देख ले सकता है, मैंने चार्ट में भी आप लोग को दिखाऊंगा, कुछ डिफरेंस आ सकता है, क्योंकि इधर मेरा जो कैलकुलेशन है एवरेज पिवट पॉइंट का एवरेज लेके कैलकुलेशन किया हूँ, और इधर इधर इंडिकेटर जो है वो क्लोजिंग प्राइस का मूविंग एवरेज दिखाता है, तो इसलिए थोड़ा सा डिफरेंस आ सकता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा मिल ही जाता है, वो आप लोग यूज़ कर सकते हैं। देखिए ये जो 100 डे मूविंग एवरेज, देखिए अदानी पोर्ट 100 डेली चार्ट में आज का कैंडल का ये काट किया है, ये आप लोग देख सकता है, ये जो 100 डे मूविंग एवरेज दिखा रहा हूँ मैंने, और इधर देखिए इसका जो हाई लो हुआ है 387.60 और 70.85, ये हाई लो ब्रेक होने के बाद आप लोग को कुछ प्रॉफिट आ जाएगा, इंटरडे के हिसाब से आप लोग ट्रेड कर सकता है। मैंने और भी एग्जांपल लेता हूँ, देखते हैं BPCL को एक बार देख लेते हैं, मैंने एक एक करके दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि इधर आप लोग को और भी कुछ दिखाना है, ये देखिए BPCL कट किया है नहीं किया है देखना पड़ेगा, हाँ देखिए इधर इसका प्रॉफिट दे सकता है, मूवमेंट अच्छा मिलता है, और इसका वोलेटिलिटी डिलीवर जो जिसका जिस स्टॉक्स में वोलेटिलिटी और डिलीवरी परसेंटेज वोलेटिलिटी ज़्यादा है, डिलीवरी परसेंटेज कम है, और वॉल्यूम बहुत ही ज़्यादा है एटलीस्ट 10 लाख के ऊपर, तो उसका आप लोग को मिल जाएगा। इधर आप लोग को मेरा पैरामीटर्स है, ये वोलेटिलिटी डिलीवरी परसेंटेज मैंने डिलीवरी परसेंटेज वॉल्यूम मैंने हर दिन अपडेट करता हूँ मेरे फाइल पे, तो उधर भी आप लोग को मिल जाएगा। देखिए इधर इनर इनसाइड द बार ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी आप लोग को पता है, जो लोग देखता है इनसाइड द बार ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी जो है, इसमें आप लोग को देखिए ये स्टॉक्स आप लोग नोट कर सकता है, इनसाइड द बार ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, देखिए NR4 NR7 कौन सा स्टॉक्स में बना है, वन डे का हिसाब से कौन सा स्टॉक्स बना है, और टू डे का हिसाब से कौन सा स्टॉक्स बना है, आप लोग इधर से कुछ नोट कर सकता है। मैंने जो लोग मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है इसका पूरा फाइल मिल जाएगा। देखिए मैंने एक एक चीज़ दे आप लोग को अपोलो टायर को आप लोग को दिखाने का कोशिश करता हूँ, क्योंकि पूरा दिखाऊंगा तो मेरा टाइम नहीं होगा, मैंने पहले भी बोल चुका हूँ, तो एक एक करके आप लोग को दिखाने का जस्ट कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिए इधर अपोलो टायर में देखिए इनसाइड द बार क्या होता है, एक दिन का हिसाब से जो इनसाइड द बार है, मतलब ये आज का कैंडल है वो अगला दिन का कैंडल का अंदर ही रह गया, मतलब इसका हाई और लो का अंदर रह गया, इसका हाई लो तोड़ नहीं पाया अगला दिन का, तो इसका इनसाइड द बार ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी कहता है। और जो टू डेज का हिसाब से अंदर रह गया जाएगा, उसका टू डेज का हाई लो ब्रेक करना है, जो और NR4 NR7 मतलब पिछले 6 कैंडल या पिछले 3 कैंडल, NR7 होगा तो पिछले 6 कैंडल और NR4 होगा तो पिछले 3 कैंडल का जो हाई और लो का डिफरेंस है, तो उसका आज का जो करंट जो है